अस्सलाम वालेकुम नॉलेज आई में खुश आमदीद। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के कल होने वाले बंदियाती इंतखाबात में वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने तीर और बैट दोनों पर मोहर लगा दी। व्यूअर्स, वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने ऐसा क्यों किया, जानिए इस वीडियो में। खैबर पख्तूनख्वा बलदियाती इंतखाबात में वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने तहसील कौंसिल चेयरमैनशिप के इंतखाबात में बल्ली और तीर दोनों पर मोहर लगा दी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की बलदियाती इलेक्शन में साबिक वज़ीर आला के पी के और मौजूदा वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने तहसीली नौशिरा की कौंसिल चेयरमैनशिप के लिए अपने बेटे इसहाक खटक के इंतखाबी निशान बल्ले और भतीजे अहद खटक के इंतखाबी निशान तीर पर मोहर लगा दी। ज़राए के मुताबिक इंतखाबात में परवेज़ खटक का बेटा तहरीक इंसाफ और भतीजा पीपल पार्टी की तरफ से चेयरमैनशिप के इलेक्शन में उम्मीदवार है। वाज़ेह रहे कि नौशेरा ही से परवेज़ खटक वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। 2018 के इलेक्शन में सूबाई नशिस्त छोड़कर एमएनए की नशिस्त पर बरकरार रहते हुए वो पाकी वज़ीर दिफा का ओहदा हासिल किया था।